नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश। इंडिया को, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी की पहली और दूसरी यात्रा से अगर तुलना की जाए तो क्या हम मजबूत पाते हैं यहाँ पे? क्या हम वो चुनौती पेश करते हुए देखते हैं जो एक चुनौती नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, उनकी पार्टी के सामने 2024 के चुनाव में होनी चाहिए, वो देख रहे हैं हम? बहुत ही जबरदस्त चुनौती पैदा होने वाली है राजीव जी। ये जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है दो चरणों में, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राहुल गांधी ने देश की जो जनता घर के अंदर थी उसको बाहर सड़कों पर ला दिया और देश को बताया कि हर जगह कितना विरोध हो रहा है इस हुकूमत का, क्योंकि लोग ये मान के चल रहे थे, लोगों को ये बताया था कि पूरा देश तो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है जी। जबकि राहुल गांधी अपनी गाड़ी के ऊपर जिन लोगों को पेश कर रहे थे वो बता रहे थे कि वो किसके साथ हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजीव जी, जो इन दो यात्राओं से प्रकट हुआ है। और इन दो यात्राओं ने बहुत देश के विपक्ष को और देश की जनता को एक नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है। मैं इसमें कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता, मैं विपक्ष की बात करना चाहता हूं, एक सम्मिलित प्रयास की बात करना चाहता हूं। देखिए, ये जो सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, वो किस मुद्दे पर आई थी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ 2G, 3G, कोयला, इन तमाम चीजों को इन्होंने मुद्दा बनाया था। ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता से जाएगी। ये जो आपने देखा ना, आज आपने ये जो सभा का दिखा रहे हैं जी, इसमें जरा संजय राउत ने क्या कहा वो जरा सुनाइए लोगों को, अगर सुना सकें तो जी। जो संजय राउत ने कहा है वो विपक्ष की आत्मा को उन्होंने बताया है, और जो राहुल गांधी को उन्होंने अपनी जो बेस्ट ट्रिब्यूट्स पेश किए हैं संजय राउत ने, वो बताता है जो मुंबई की, जो महाराष्ट्र की सड़कों पर सैलाब उतरा है, ये देख रहे हैं इस भीड़ का, ये जो जिसको दिखा रहे हैं आपने देखा, इसकी भीड़ देखी है आपने जी। आपने लोगों के नाम लिए कौन कौन आने वाला है शिवाजी पार्क में, आम आदमी पार्टी भी जोड़ लीजिए उसमें। हाँ जी बिल्कुल, वो भी अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं। ये हर आदमी को लग गया है, आपके देश आपके आपके श्रोताओं को पता है, मैं याद दिला रहा हूं कि भारत की आजादी का जो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, वो बंबई के ये अनिल सिन्हा बता सकते हैं कि कहां से बंबई के किस मैदान से निकला था। क्विट मोदी मूवमेंट निकलने वाला है शिवाजी पार्क से राजीव जी। ये जितने वक्ता आपने नाम बताए, ये केवल एक बात कहने वाले हैं कि मोदी भारत छोड़ो, मोदी सत्ता छोड़ो। ये जो शिवाजी पार्क की सभा का जो टोन है वो राहुल गांधी ने सेट कर दिया है, उसकी वो क्या कहने वाले हैं लोग, उसकी भाषा तय कर दी है। और वहां जो भीड़ उमड़ने वाली है जी, वो लोग संभाल नहीं पाएंगे उसको, वो हजम नहीं कर पाएंगे। ये जो आप ये जो जितने नाम आए हैं ना राजीव जी इस लिस्ट में, ये सब बंबई के हैं, बड़े बड़े जितने पूंजीपति हैं इनकी कंपनियां सब बंबई में, इनके ठिकाने सब बंबई में अधिकतर के।
आप क्या सोचते हैं कि ये मुंबई से पुणे तक क्या होने वाला है? ये रुकने वाला नहीं है। ये जो ताकत मिली है राहुल गांधी को दो यात्राओं से और खासकर इस यात्रा से, जो 357 सीटों की यात्रा उन्होंने की है, 15 राज्यों की यात्रा की है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में। ये चिराग पासवान में ताकत कहां से आई है, आप ये मुझे बताइए। ये चिराग पासवान को कैसे तैयार हो गए इतनी सीट देने के लिए? चिराग पासवान को पता है कि उनका मकान कैसे खाली करवाया गया था दिल्ली में? कोई कोई दिखा नहीं रहा है कि किस तरह से वो सामान अपने बंगले से, अपने पिता के बंगले से बाहर निकाल रहे थे और कितना अपमानित किया गया था उनको। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो कैबिनेट एक्सपांशन हुआ है बिहार में आज, वो किस चीज की देन है? राहुल गांधी ने या इंडिया अलायंस ने जो रिपल्स पैदा की हैं इस देश में, इस देश की राजनीति में, वो 2024 के चुनाव के लिए सीमित नहीं है। आने वाले तमाम देश के जितने चुनाव हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, नीचे पंचायत तक के, वो प्रभावित होने वाले। ये जो जमावड़ा हो रहा है ये बॉम्बे में, ये इंडिया अलायंस का कॉन्क्लेव है जी। और इसमें घोषणा होने वाली है कि क्या घोषणा होती है, उसकी प्रतीक्षा करना होगी हमको क्या घोषणा होती है। तो ये लड़ाई जो प्रेम कुमार जी ने बात कही थी कि सब लोगों को लड़ना चाहिए, ये लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे और लड़ना पड़ेगा। ये मौका अगर चूक गए, वो है ना, वो मत चूके चौहान वाला, चार बास 24 गज अंगुल नष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये वो मामला है कि इस बार अगर ये विपक्ष चूक गया तो फिर जो होने वाला है वो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले जो कहा था फिर रिपीट कर रहा हूं, महर्षि दधीच ने जो अपनी हड्डी दे दी थी लड़ने के लिए, असुरों से लड़ने के लिए इंद्र को, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी की पूरी ताकत विपक्ष को सौंप दी है। चंद्रचूड ने अपनी पूरी ताकत सौंप दी है। ये जो 5 जजों की बेंच है, इसका साहस भारत के इतिहास में जो प्रकट हुआ है, जुडिशरी का साहस, अगर उस साहस का भी इस्तेमाल अगर नहीं कर पाए, ये देश की जनता तक ले जाने की बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो यात्रा है, इसका जो समापन है और इसकी जो, मतलब कल घोषणा है चुनाव की और उसके बाद तत्काल बाद सभा है शिवाजी पार्क में 17 तारीख को, आप देखिएगा कि उसका क्या असर होता है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं राजीव जी, जी नींद उड़ी हुई है पूरे के पूरे एनडीए की, नींद उड़ी हुई है एनडीए की बिहार में। आप क्या समझते हैं, ये अगर कोई बहुत बड़ी बेईमानी नहीं हुई तो इस चुनाव के परिणाम आप अभी से लिख सकते हैं, पर अब क्या कह सकते जी, हैं जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर इतना कॉन्फिडेंस, राउत को सुनाने, बस एक मिनट में सुना देता हूं और फिर हमारे दो साथी हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों से भी एक एक कमेंट लूंगा, छोटा सा समय निकल चुका है लेकिन माफी के साथ थोड़ा सा। संजय राउत भाषण दे रहे थे उसी मंच से और उन्होंने जो कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं, सुनिए। त्यांच्या बरोबर काश्मीर मध्ये चाललो भारत जोडो यात्रे, आणि खरंच मला असं वाटलं की हा नेता देश जोडण्यासाठी, माणसांची मन जोडण्यासाठी या देशामध्ये चालतो आहे। मला आठवत आहे इंदिरा गांधी होत्या आपल्या,
आणि इंदिरा गांधी जेव्हा देशामध्ये राजकारण करत होत्या तेव्हा एक घोषणा आम्ही सगळेच देत होतो, इंदिरा गांधी आई है नई रोशनी लाई है। आज तीच नवी रोशनी घेऊन नवा प्रकाश घेऊन या देशात आणि महाराष्ट्रामध्ये राहुल गांधी आलेले आहेत, आपण त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे। तो बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कहते हुए इसी भाषण में, मराठी में भाषण, लेकिन स्वागत भाषण। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।